अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और चुड़ैल आज एक ऐसी खबर लेके आई है कि मैं खुद हैरान और परेशान हो गया। मैंने चुड़ैल को कहा कि दोबारा ये चेक कर लो, इसमें गलती ना हो, गलती की गुंजाइश ना हो। तो चुड़ैल मेरी नाराज़ हो गई आज। वो कहती है जब चुड़ैल की खबर है तो गलत कैसे हो सकती है। तुम जिस उस्मान बुज़दार की तुम लोग इतनी तारीफ़ें करते हो तुम्हें पता नहीं है कि वो कितना छुपा रुस्तम है। तुम लोग जिस उस्मान बुज़दार के मतलब कहते हो कि वो ऑनेस्ट आदमी है तुम्हें नहीं पता कि वो क्या है। तुम कहते हो कि वो एक यानी शरीफ सा इंसान है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। अब चुड़ैल ने उस्मान बुज़दार की एक ऐसी चोरी पकड़ी, एक ऐसा झूठ पकड़ा और मेरे पास कागज़ लेके आ गई कि मैं खुद हैरान और परेशान हो गया हूँ। मज़ीद वीडियो देखने से पहले आप प्लीज़ बेल आइकॉन प्रेस करें, सब्सक्राइब का बटन दबाएं ताकि आप तक मज़ीद इनके कारनामे जो हैं वो पहुँचते रहें। मैं आपको बताऊं कि उस्मान बुज़दार की अब तक आपने एक ही खूबी सुनी थी कि वो एक शरीफ़ नफ्स आदमी है, क्योंकि जहाँ तक उनकी कारकर्दगी और एहलियत का ताल्लुक है वो तो सब ने देख लिया और सबको पता है कि किस तरह से उन्होंने पंजाब में तब्दीली की कमर तोड़ के रख दिया। ट्रांसफ़र ऑफ पोस्टिंग्स का तो आपने सुना होगा, लेकिन अब पहली दफ़ा मैं उस्मान बुज़दार की माली बेजाबतियों से पर्दा उठाने जा रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ, जी वही उस्मान बुज़दार जो इस वक्त वज़ीर आला पंजाब हैं, जिनकी ऑनेस्टी के मतलब बातें की जाती हैं, और अब मेरे पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं कि मैं चाहूँगा कि उस्मान बुज़दार खुद आए। अगर वो मेरे सामने नहीं आना चाहते ना आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएं कि ये डॉक्यूमेंट्स गलत हैं, फोर्ज्ड हैं, फेक हैं, या मैंने अपने हाथ से खुद इनको बनाया हुआ अपने टाइपराइटर पे। मैं आपको उस्मान बुज़दार के 2017 के गोशवारे दिखाता हूँ कि जो उन्होंने 2018 के इलेक्शंस में जमा करवाए। ये वो गोशवारे हैं जो इलेक्शन कमीशन को उन्होंने दिए इलेक्शन लड़ने के लिए, और इन्हीं गोशवारों की बुनियाद पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा, लड़कर एमपीए बने और एमपीए से वजीर आला बन गए। उस्मान बुज़दार जो इससे पहले सिर्फ डीजी खान में तहसील नाजिम की एक पोस्ट पे चौधरी परवेज लाई के दौर में रहे थे, पहली बार एमपीए बने और पहली बार एमपीए बनते ही वजीर आला बन गए। और उनके गोशवारों के मुताबिक उस्मान बुज़दार के मुकम्मल असासा जात की मालियत 2.5 करोड़ रुपए जाहिर की गई है, और इसमें 14 कनाल अराजी तौसा शरीफ, 4 कनाल डीजी खाल रोड पर, 256 कनाल अराजी मौजा चोटी पर, 7 प्लॉट जो 2 कनाल 1 कनाल और 8 मरले के हैं मुल्तान, तौसा, डेरा गाजी खान और मुख्तलिफ जगहों पे हैं, जबकि 36 लाख रुपए की रकम और बॉन्ड्स अलग अलग हैं, 24 लाख के 3 ट्रैक्टर्स और गाड़ियां इनके पास हैं। पहली बात तो यह है कि यह सारी जायदाद की वैल्यू 500 गुना से भी कम बताई गई है, लेकिन मसला अभी वैल्यू का नहीं है, मैं उसकी वैल्यू पे नहीं जा रहा। यह ना समझे कि जी अब मैं कहूँगा कि तब की ज़मीन की क्या कीमत थी और अब की क्या कीमत है, ट्रैक्टर की क्या वैल्यू है, गाड़ी ये है उसकी क्या कीमत है। मैंने मान लिया एक लम्हे के लिए उस्मान बुज़दार ने 2017 में अपनी सोर्स ऑफ इनकम ज़रात बताई, यानी एग्रीकल्चर, जबकि कुल आमदनी उन्होंने बताई 4,68,500 रुपये, और जो 40,000 रुपये माहाना से भी कम बनती है। अब आप सोच सकते हैं कि एक बंदा जो 40,000 रुपये माहाना कमाता है उसके माल में इतनी बरकत कहाँ से आ गई कि वो डेरादारी करे, घर के अखराजात पूरे करे, करोड़ों रुपए की मालियत का इलेक्शन भी लड़ लेता है। किस्सा मुख्तसर, उसने 2017 में 63,890 रुपए का टैक्स दिया, लेकिन 2014, 2015, 2016 में उन्होंने ना तो अपनी कोई जायदाद जाहिर की, ना ही आमदनी, और ना ही इन 3 सालों में कोई टैक्स दिया, बल्कि निल टैक्स उन्होंने अपना जाहिर किया। अब एक तरफ वो फॉर्म बे में अपने असासों की मालियत 2.5 करोड़ रुपये बता रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ उसी फॉर्म के साथ लगे हुए अपने ही एफिडेविट में अपने असासों की मालियत 7,61,893 रुपये जाहिर कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि एक ही वक्त में एक ही जगह पे असासों की मालियत में इतना बड़ा गैप हो, इतना बड़ा डिफरेंस हो, इतना बड़ा तजाद हो, और जबकि उसके नीचे उस्मान बुज़दार ने अपने दस्तखत करके उससे एग्री किया, एंडोर्स किया हुआ कि अगर मेरे फॉर्म बी और ए में कोई इंफॉर्मेशन गलत या तजाद पर मबनी हो तो मेरी इलेक्शन की नामजदगी मुस्तरद हो जाएगी, जबकि आइन के आर्टिकल 63 इन पर अब डायरेक्टली लगता है। नवाज शरीफ को भी
इसलिए निकाला गया था कि उन्होंने अपने गोशवारों में अपने बेटे की कंपनी में काम करने की उजरत जाहिर नहीं की थी। बात यहीं नहीं खत्म होती। उस्मान बुज़दार के FBR में जो रिकॉर्ड है उसमें उन्होंने क्या किया, उसमें उन्होंने अपनी टैक्सेबल इनकम 388,900 जाहिर की और जबकि फॉर्म बी में ये 468,500 है। इन्हीं गोशवारों के मुताबिक उस्मान बुज़दार ने अपनी तालीमी काबिलियत LLB और MA लिखी हुई है। या तो उस्मान बुज़दार एक वकील होने के बावजूद इतने, मैं क्या कहूँगा कि उनको नहीं पता कि उन्होंने अपने ही नॉमिनेशन पेपर्स में इतनी संगीन गलतियाँ कर दी, या फिर वो हकाइक को झूठ बोलकर छुपा रहे हैं। क्या शब्बर जैदी इस बात का नोटिस लेंगे और उन्हें गलत असासे जमा करवाने पे आड़ों हाथों लेंगे? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी खुद अब इलेक्शन कमीशन को लिखेगी कि इलेक्शन कमीशन इस पर कोई कार्रवाई करे, या इस मुल्क में यही रवायत चलती रहेगी कि ऐवान इक्तदार में बैठे लोग हर तरह के एहतसाब से मुबर्रा हों? क्या उस्मान बुज़दार का एहतसाब होना चाहिए या नहीं? अपने लिखे हुए गोशवारे, अपने हाथ से भरे हुए गोशवारे, उनमें एफिडेविट और गोशवारों में एक ही जगह पे दो चीज़ों का इतना फ़र्क। 3 साल टैक्स नहीं देने वाले के पास 4th साल सडनली इतनी आमदनी कहाँ से आ गई और 40,000 रुपये की आमदनी से करोड़ों के असासे कैसे बन गए? ये तरीका वारदात भी तो बुज़दार साहब से पूछना पड़ेगा। वैसे हो सकता है अब उनके और उनके अहले खाना के असासे बहुत ज़्यादा हों, लेकिन अभी ये चुड़ैल ने उसके मुतल्लिक मुझे खबर नहीं दी। चुड़ैल इस बात पे कन्विंस्ड है कि इलेक्शन के गोशवारे और एफिडेविट में जो फ़र्क है ये उस्मान बुज़दार की नाअहली के लिए काफ़ी है। क्या इस पर PTI एक्शन लेती है? क्या इस पर अपोजिशन एक्शन लेती है? क्या इस पर इलेक्शन कमीशन एक्शन लेता है कि नहीं? देखते हैं, कुछ दिन तक पता चल जाएगा। बट स्टे ट्यून्ड टू मुबश्शिर लुक़मान यूट्यूब चैनल, कीप वॉचिंग। टुडे वी ब्रिंग टू यू अ सिज़लिंग इररेगुलैरिटी बाय चीफ मिनिस्टर पंजाब मिस्टर उस्मान बुज़दार। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।